नाराजगी क्यों है? नाराजगी का जब हाथ पे कछुआ हो तो ना नाराजगी ना हो तो चलते पता कुंडल उतार लेते तब। अच्छा, थाने में जाते जाओ जाओ घर फिर हम तो आई कबू पुलिस ही ना आती तब। अरे और जा सरकार मनवाता घूमो कोई हाथ ना लगा तो आराम से मोदी को दिया है कोई मोदी को और काउ नहीं दियो और काउ नहीं दिए और ना मैं सब सुविधा नहीं कहा हमें तो जो कोई सुविधा दिया तीन ही दिखाए हैं। अबे तक किसने ज्यादा दी सुविधा? अबे सुविधा हमें मोदी ने दी है तो मोदी दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो दोस्तों आज मैं अलीगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत अकबरपुर कोर्ट में हूँ। तो यहाँ पर इस गांव में कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों से चर्चा करेंगे कि लोग क्या कहते हैं सरकार के बारे में। जहाँ तक मैंने ये जानकारी ली है तो लोगों का ये कहना है कि पूरे गांव में सभी बिरादरी के लोग हैं और इस गांव में हर कास्ट के लोग हैं। इधर थोड़ा साइड में आ जाओ तो मैं लोगों से चर्चा कर लेते हैं लोग क्या कहते हैं सरकार के बारे में। बाकी का आप देखिएगा लोगों का क्या माहौल है इस गाँव में। हाँ भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? रविंदर सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं जी। तो क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है सरकार के बारे में? माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का ही है तो ऐसा क्यों बीजेपी का है? काम हुआ है यहाँ गांव में। क्या का काम हुआ है? जैसे कॉलोनी मिली है, गरीबों को राशन मिल रहा है। अच्छा, क्यों? और बाकी महंगाई वगैरह मुद्दे नहीं है क्या? ये जो महंगाई बढ़ी है, तेल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। तेल का रेट तो जब सरसों महंगी भी गई तो तेल भी महंगा भी गया। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, आप बताइए क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं बीजेपी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, भाजपा को? हाँ, भाजपा को देंगे। अच्छा, हाँ आप देंगे? भाजपा हम भी देंगे वोट। अच्छा, भाजपा को देंगे? हाँ जी। ऐसा क्या दे दिया भाजपा ने? ऐसा हमें मिला तो कुछ नहीं भाई, कच्ची छत ठीक है और जो है हमारा जो है शासन बढ़िया चल रहा है इसलिए हमें। अच्छा अच्छा, तो शासन बढ़िया चल रहा है इसलिए भाजपा को देंगे। तो कुछ दिया नहीं भाजपा ने? और दिया 2000 खाते में आ रहे हैं। अच्छा, 2000 आ रहे हैं। राशन आशन मिल रहा है? वो कुछ नहीं है बना हमारा, राशन कार्ड ही नहीं बना है। शादी हो गई है? शादी, सब बच्चे अच्छे। अच्छा, फिर राशन कार्ड क्यों बना नहीं, बनवाए नहीं? अरे बना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, बना ही नहीं है। हाँ भैया, आपका नाम? नीलेश कुमार। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बात, सरकार दोबारा आएगी या यही रहेगी? बिल्कुल आएगी दोबारा। अच्छा, दोबारा यही आएगी? बिल्कुल आएगी। तो परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं परिवर्तन। तो परिवर्तन किस सरकार, ये दूसरी सरकार आएगी या फिर यही आएगी? अरे यही आएगी। अच्छा अच्छा, तो फिर परिवर्तन क्यों होगा? अरे परिवर्तन ये होगा मतलब जो काम इस वर्ष इस चुनाव नहीं कर पाए अगले में करेगी। अच्छा, अगले में परिवर्तन लाएगी। अच्छा, हम थोड़ी लाएंगे। तो अच्छा हो रहा है सब कुछ जी? बिल्कुल। चलिए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए नाम आपका? हमारा नाम सोनी सक्सेना। अच्छा अच्छा, तो कोई नेता वेता है क्या पार्टी? नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है? बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी जी को वोट देंगे। कॉलोनी दी हमको छत। अच्छा, राशन भी मिल रहा हमको। अच्छा, सब सुविधा मिल रही हमको। अच्छा जी, हमारे गांव में स्कूल भी बना है, कभी स्कूल नहीं बना था हमारे गांव। सड़क भी बनी, स्कूल नहीं था पहले? नहीं, कभी नहीं। बिल्डिंग चिचे आती थी, बच्चे पढ़ने के लिए इधर उधर भटकते थे। अच्छा जी, तो इसीलिए भाजपा को सपोर्ट जी। तो सपा में क्या नहीं हुआ था? सपा में कुछ ना मिलो हमें, रोड रोड वगैरह नहीं बन रही बनो। अच्छा, उन मुलायम सिंह ने उन्हें दो यादव लोगन को और काउ जा तो कुछ ना दो नौकरियों नहीं उन्हें लोगन के लो पलद। अच्छा जी, तो नौकरी वगैरह आप चाह रही थी क्या? नौकरी उन्हें मिलने ना दे, जब कह दे सब हीर 30,000 130,000 तो कोई नीचे ना आए तो हम हतुआ बार कहा मिलते फिर। अच्छा हाँ, तो इसीलिए नाराज हैं? नाराज का जिसने दो उसके गुण गए हैं हम। अच्छा अच्छा जी, तो और क्या लगता है ये महंगाई मुद्दे नहीं होंगे क्या? जब जब किसान लोगों ने चीज महंगी बिच रही तब इनके कहा घर से बन नहीं सोबे महंगी करके तुम्हें दे रही। ये गाय भैंस वगैरह सांड वगैरह घूम रहे हैं, ये गाय और सांड योगी जी ने अच्छा कर दिया, वो गौशाला में रह रहे, चारा मिल लिया और पानी भी मिल लिया। लोगों खेत खा रहे, नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहे, सब गौशाला में पकड़वा के अंदर करवा दिए योगी जी। किसान बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशान ना, झूठ बोल रहे किसान सब। अखिलेश कह रहे हैं भाजपा चली गई है, नेता चली नहीं गई, भाजपा आने वाली, अखिलेश गड्ढा चले गए, नेता भी छोड़ रहे हैं ना पार्टी भाजपा को। तो भाजपा ऐसी भाजपा तो आया और साइकिल चलेगी गड्ढा में। तो यहाँ के जो लोग विधायक जी हैं आते हैं गांव में? हमारे गांव में आते विधायक जी। अच्छा, काम हम कराए हैं? खूब कराए, स्कूल बनाओ हमारे गांव विधायक जी ने। तो उनका माहौल ठीक है? ठीक है भाई, होंगे और मालूम, और जो कोई बंद तो
सो का जापा केस लगवा दो, कल बापा लगवा दो, जा सरकार हमारे गांव का केस ना लगे। अच्छा जी, अच्छा केसेस वगैरह नहीं लगे जी है? तो ये पहले क्या होता था? पहले तो साहब अहिन चलती थी लठ मारी और का चलती ना आती बिल्कुल। अच्छा, नौकरियां नहीं कह लेती, थाने में सुनवाई नहीं गती। अब तो मुझे लग रहा कोई नेता ऐसा तो नहीं है ना पार्टी के? ना हम काऊ पार्टी के नेता, ना ना हम पर घर हुआ है योगी जी ने मोदी जी ने दो, ना खेती हम पर ना कछु है। अच्छा, जाने दो, बाकी जिंदगी भर गुलामी करे हम। अच्छा जी, अच्छा, तो सपा ने मतलब सपा ने कछु ना दो। हाँ, इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी का जब हाथ पर कछु आओ तो ना नाराजगी ना हो तो चलते पता कुंडल उतार लेते तब। अच्छा, थाने में जाते जाओ जाओ घर फिर हम तो आई कब पुलिस ही ना आती तब। अरे, और जा सरकार मनवाता घूमो कोई हाथ ना लगा तो आराम से। और का बीजेपी की सरकार फिर कस आवे? अच्छा, दोबारा आए? दोबारा योगी जी से खुश हैं? हाँ खूब, मोदी योगी ऐसे जिंदाबाद बने रहा है अमर। चाचा जी राम राम। राम राम। नाम आपका? कृपाल सिंह। तो क्या लगता है ये जो आगे चुनाव आ गए हैं तो माहौल भी अभी हर जगह चर्चा भी चुनाव की चल रही है, तो आपको क्या लगता है दोबारा भाजपा आएगी या बदलाव होगा? दोबारा आएगी। दोबारा आ जाएगी? दोबारा आ जाएगी। पक्का? पक्का। ऐसा क्या किया है? हमारे यहाँ साख के लोगों में स्कूल नहीं था। अच्छा, आप साख के मौर्य समाज से हैं? हाँ। जब वो स्वामी प्रसाद जी छोड़ दिए पार्टी? छोड़ दें दे। वो तो कह रहे हैं मेरे साथ हैं सब लोग। नहीं हैं। अच्छा, हाँ। तो आप भाजपा के साथ हैं? भाजपा के साथ। तो स्वामी प्रसाद को ऐसा क्या लगा? वो तो कह रहे हैं कि अपमान किया पिछड़ों का, कुछ हुआ नहीं? नेतन कोई ठिकानो ना हो तो यहाँ तू एकदम भाज जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप भाजपा के साथ हैं? भाजपा के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ भैया आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था वो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य थे पार्टी में, वो मतलब अपने आए और चले गए, उनसे साख समाज कहीं नहीं देना। उनके ही समाज से हैं? उनके समाज से हम साख के हैं। अच्छा, बीजेपी अच्छा, ने काम करा साखियों का है। अच्छा, नाम आपका? राहुल कुमार साख के। अच्छा, अच्छा, जी, तो जी। आप भाजपा के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा दूर क्यों भाग रहे हैं? इधर आ जाओ पास में। यहाँ से ठाकुर सत्यपाल सिंह भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, उनने जनता काम करा, हम लोगों की सुनी है, तो और सारा समाज उन्हीं को वोट देगा। तो स्वामी प्रसाद कह रहे हैं मेरे साथ हैं सब लोग? कोई उनके साथ नहीं, उनने ठेका थोड़ी ले रखा है। तो कह रहे 85% हमारे साथ। कह रहे उन्हें कह दो जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब पता चल जाए कौन जीत रहा है। भाजपा कितनी सीटें आ रही है? भाजपा 350+। अच्छा जी जी, पूरा भरोसा है? फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा एकदम। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम राजबीर सिंह है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बार माहौल किधर जा रहा है? अरे माहौल की तो ऐसी बात है, कोई भी पार्टी हो जो बढ़िया वाले विकास करे वही पार्टी बढ़िया है। जैसे अभी बीजेपी का माहौल चल रहा है तो आप किसको बढ़िया बता रहे हैं? तो हम तो बीजेपी बढ़िया बता रहे हैं, जो बीजेपी माहौल बढ़िया चल रहा है तो बीजेपी चलेंगे। माहौल चल रहा, कुछ कराया आया भी है? कराया भी है। अच्छा, क्या हुआ गांव में? गांव में तो चलो कुल मिला के स्कूल तो बन ही गया है, एक मेहनती तो हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ मान लो पोलिंग की दिक्कत थी। पहले स्कूल नहीं था गांव में आपके? स्कूल था, बिल्डिंग नष्ट थी। अच्छा, अच्छा। अब उसको मान लो दोबारा निर्माण करके नया बन गया, ये हो गया। राशन पानी मान लो भाई मिल गया है, और क्या चाहिए, और हाथ कुछ मिल रहा है राशन, और वो 2000 आ रहे हैं खेती वाले। रात में निकलो बैठे अपनी लेडी लेके नहीं जा सकते थे दिन में देख छिप के बाद, अब तो रात के 1 बजे निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुरक्षित। और रात में खेत रखाने तो नहीं जाते हो गाय गाय सांड से? भाई ये तो जाते हैं, तो गाय रखाने तो मैं जाते हैं। अच्छा। मेरे यहाँ भी 74 गाय है, लेकिन ये कुल मिला के चलो नुकसान उतना नहीं है, फिर भी गाय नुकसान कर रही है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? इसके बारे में क्या, गाय कहाँ जाएगी बताओ? तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश कह रहे हैं कि ये, अरे अखिलेश कह रहे हैं तो अखिलेश अपने घर ले जाएं भाई, ये क्या करें भाई, अपनी अपनी पार्टी, मैं तो नहीं कह रहे किसी की। तो आपको गाय बद से कोई सांड से दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खाने पीने तो, लेकिन सरकार तो बीजेपी कुल मिला के सही है। अच्छा अच्छा, हम आपका नाम श्याम लगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम योगी को वोट दे रहे हैं, पार्टी आर्टी कुछ नहीं, हम बस फूल को हमें सपोर्ट करना है, फूल हमारा निशान है बस। प्रत्याशी से मतलब है, पार्टी से? पार्टी से। अच्छा, हाँ। प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ, प्रत्याशी कोई भी हो। तो भाजपा के कामों से खुश हैं? हाँ जी। तो बाकी पहले की सरकारों नहीं किया था? ना ना, कुछ ना करो साहब। अच्छा, हाँ, बर्बाद कर दो पिछली सरकार। कानून व्यवस्था बढ़िया थी पहले? कुछ ना, अरे कुछ ना, भैंसियाँ खुली आती थी। अच्छा, हाँ, पाइप उठी आते। अब ये सब बंद है? सब बंद है। तो ये पहले कौन करता था ये सब? हाँ? बंद हो गया, अब सपा वाले ही करते थे क्या? अरे सपा बसपा कोई सरकार हो भैया, बनने तो लूट करी, लूट दोनों ने। अब ये सब बंद है? हाँ बंद है सर। अरे हम पद भैया केस लगो, सपा में केस लगो। अच्छा, पिताजी मर्डर भाओ। अच्छा, हाँ,
तो उनका आजीवन सजा भाई, जबरदस्ती केस हम धके आए दोगो। आपके पिताजी का मर्डर हुआ हाँ। और सजा किसको हुई? हमें दूसरे केस में। अच्छा, दूसरे केस में हाँ। तो पिताजी का मर्डर हुआ था वो उनके केस में नहीं कोई फंसा कोई? हाँ, वो फंसे थे लोग। उन्होंने ही फंसवा दिया आपको क्या? ना हाँ, उन लोगों ने हमें फंसाया था। फिर आगे बाहर जमानत मिल गई हाँ। भाजपा सरकार में? हाँ, भाजपा सरकार में। सपा सरकार में चले गए? अरे भैया, सपा सरकार में हमारी सब जिंदगी खराब कर दी, जगह हमारी अलीगंज विवाद में पड़ी है। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ? हाँ, हमें डर है भैया, हमें डर है इस बात का। तो दोबारा फिर अगर सपा आ गई तो फिर लग रहा है हवा जा रही उधर ही। अरे भैया, हवा चली गई उधर देख रहे हैं, गांव का पूरो कह रहे हो। नेता छोड़ गए गोसाई भाजपा को? कौन कौन छोड़ गए नेता? स्वामी प्रसाद तो पहले मलाई खा रहे थे हाँ, अब उन्हें अंत मलाई, फिर दोबारा विधायक ले गए, नौ विधायक। अरे अरे, यहाँ तो 18 आए तो गए फिर वापस। अच्छा हाँ, यहाँ 18 आइए वापस भैया। तो भाजपा की लहर है? हाँ, भाजपा की लहर है, भाजपा की रहेगी। अच्छा हाँ, और भाजपा के साथ पूरा देश है। और ये महंगाई वगैरह बहुत? हाँ, महंगाई है यार, बता दो रुपया किलो गेहूँ मिल रहा हो तो कोटा पे, अब फ्री मिल रहा हो हाँ, और 19.5 रुपया, अब 21 रुपया गवर्नमेंट खरीदी है हमारो गेहूँ, 55 रुपया लाख रेट है, बताओ आप हमें गवर्नमेंट की हाँ, कितनी महंगाई है। तो और ये आवारा पशु घूम रहे हैं, गाय हाँ घूम रहे हैं यार मेरे, कितनी अच्छी बढ़िया गौशाला अलीगंज बनी है हाँ, ये आस पास गा ही रहे अन्य लोग हैं जी, हमारे गाँव में ढीली आते हैं सब, हमारे गाँव में कहाँ गौशाला है। अच्छा हाँ, तो ये तो आप हमें, तो इसका मतलब सीधा ये बाकी लोग घूम जैसे। अरे दूसरे गांव के लोग जो हैं आसपास के, भाई हमारे गाँव में ढीलिया, हमारे गाँव में कहाँ जानवर है ढीले भाई, हमारे गाँव में गाय कहाँ से आई, हमारे गाँव बहुत अच्छा गाँव है। आप सारे द्वारा सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी रहे भैया, बीजेपी रहना चाहिए, शांति देखो, यहाँ से मैनपुरी तक चले जाओ, एटा चले जाओ, कोई लूट ना है, ना पकड़ा ना दकड़ी। एक बार अपने गांव का पूरा परिचय दे दीजिए, कौन सा गांव और कहां पड़ता है ये? जिला एटा है हमारा, यूपी में ठीक, तहसील अलीगंज, गांव अकबरपुर कोट हाँ, डाकखाना अकबरपुर कोट, अलीगंज के पास पड़ता जी, है जी जी, अलीगंज से 4 किलोमीटर दूर। अच्छा, ये पास में विधायक जी का जो समाजवादी पार्टी से पहले विधायक कई बार रहे, उनका गांव भी पास में है जी, तो क्या उनका प्रभाव नहीं है क्या कुछ भैया? दबाव ये काउ बना हमारे गांव पर नहीं, जैसे उनका वैसा प्रभाव नहीं, काम आम जैसे उन्होंने विधायक रहे हो तो काम नहीं किए कुछ ऐसे क्या जिसकी वजह से? आप तो जानते हो काम कितने कितने अच्छे भाई हैं हाँ, बहुत अच्छे अच्छे ये काम देख रहे, उनकी सरकार में कहा रहो हाँ? अच्छा, हाँ तो मतलब सब कुछ सही नहीं था ना पहले? अरे सही कहाँ था जाना, देख रहे आप, सही अगर सही है हो तो यह बताओ, जनता परेशान होती। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं कई सारे। अम्मा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अच्छा, तो अब ये चुनाव आ गए हैं, तो क्या सोच रहे हैं अब की बार किसको वोट करेंगी? अब जो हमारी साथ आकर है बाको दिए। तो आपको किसने क्या है, सरकार में फायदा क्या हुआ नहीं कुछ? हमें तो मोदी ने जो पैसा दा हुआ भाई हम तो दे दिए। अच्छा, मोदी ने क्या क्या दिया है? अब जो पैसा वहाँ आ रहा है पेंशन। अच्छा अच्छा, मोदी दे रहे हैं, कोई दे तो है। अच्छा अच्छा, तो किसको आप क्या लग रहा है? अब हम पढ़े लिखे तो है ना, सो हम अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बताओ क्या क्या सोची हैं कि मोहर कहाँ पे लगी, बटन किसका दबेगा? बटन सब दबेंगे उसको हम दबेंगे। तो अभी सरकार भाजपा की है, योगी सरकार में, तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो इनको देंगे या अखिलेश या कोई और पार्टी? मोदी को। और काउ ना दियो? काउ ना दिए, उन्हें मैं सब सुविधा दई। अच्छा, भूखे प्यासे को कहना दुखी ना रखो। अच्छा, सुविधा कहाँ कहाँ मिली है? अब सुविधा मान लो राशन मिल रहा है, और बकाया कुछ ना मिलू। अच्छा अच्छा, और गैस मिली, कनेक्शन? गैस कनेक्शन है। अच्छा, राशन फ्री मिल रहा है? राशि फ्री पूरा मिल रहा है? हाँ पूरा मिल तो कहना भाई, दूबा ना दो माने पूरा में। अच्छा, पूरा दूबा ना दो? और कहा, मेरा लाल कार्ड है। बाकी पहले ज्यादा मिलते थे, अब पहले मेरे को ना है तो ही नहीं, राशन पहले ही सरकार हम ज्यादा मिलते थे, अब मिल रहा हूँ। अच्छा, फ्री मिलते हैं। अच्छा, फ्री मिलते हैं। हाँ, रुका तो इनसे खुश हो जाए सरकार से? खुश है और का। अच्छा। देखो गुंडा गर्दी ना है, लड़की बेटी ना है। अच्छा। कि मतलब कहता है आदमी कहता है लेकिन मुश्किल कर दे तो लड़की ने की है, तो गुंडा गर्दी ज्यादा चलती लेकिन अब ना है। अच्छा, अब ये सब बंद है? अब बंद है। अच्छा, लेकिन अब आगे चल के कछु मतलब वोट मोदी को जाए? हाँ, वोट मोदी को जाए।
हाँ ताऊ राम राम। राम राम जी भाई राम राम। तो कौन सा गांव? इसी गांव के रहने वाले हम अकबरकोट के रहने वाले हैं सर। अच्छा, नाम आपका? हमारा नाम सुरेश चंद है, पूर्व शाखा डाकपाल अकबरकोट। अच्छा अच्छा, तो ये चुनाव आ गए हैं? हाँ चुनाव आ गए सर, हमारी सभी पार्टियां बराबर हैं। एक बात का मुझे सर दुख है कि हमारे गांव की औरतें लड़कियां राशन झकड़ी लेने जाती हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ किसी कारणवश हमारे गांव आ जाए तो अच्छा है। तो आपके गांव में राशन, वो राशन नहीं मिलता है? कोटा हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में कोटा नहीं है, हमारा कोटा झकड़ी अटेंडमेंट है। हमारे गांव आ जाए किसी को मिले। अच्छा। हमारे गांव से बटे क्यों, हमारे यहाँ की लड़कियां औरतें सब बेचारी वहाँ भाग भाग के जाती हैं। अच्छा, तो इन ताऊ की ये पीड़ा है कि इनके गांव का जो कोटा है, राशन जो मिलता है, वो किसी दूसरे गांव में लेने जाते हैं। इसलिए इनका ये कहना है कि इनके गांव में ही राशन लोगों को मिलने लगे, ताकि जो माताएं बहनें हैं वो उनको परेशानी ना हो। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने बाकी काम सही कर रही है? हाँ सरकार काम सही कर रही है। दोबारा चाह रहे हैं? अरे दोबारा भी आ जाएगी तो कोई बड़ी बात थोड़ा, आ सकती है। अच्छा अच्छा, आ सकती है या ना आएगी? अरे नहीं नहीं, अरे आ सकती है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? आ सकती है। तो यहाँ के जो आपके गांव में काम वाम कुछ हुआ है? विधायक जी आते जाते हैं? हमारे यहाँ विधायक जी नहीं आए सर, नहीं आए विधायक हुए थे। आपसे पूछ लेंगे, हमारे यहाँ विधायक हुए थे उस, हमारे यहाँ विधायक नहीं आए। अच्छा, विधायक जी आए नहीं है? नहीं आए। अच्छा अच्छा, तो और कोई क्या कोई विकास कार्य गांव में हुआ? हाँ विकास हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ अभी। विकास तो पहले की सरकार थी उससे कुछ सही चल रहा है या कुछ? वो तो सही चल रहा, पर हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है। हाँ। नाम, जो आएगी नाम आपका? श्यामवीर। अच्छा अच्छा। हाँ आर जे कोटे के रहने वाले, जो है वो रहे खाचड़ भरो, वहाँ दुकान तो लगेगा या दुकान लो रहे, जो आरसी जरूरी होने हैं। तो आरसीसी तो जी है ही, वैसे आगे थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा, फिर देखो इतने तो भरो हुआ है। हाँ हाँ अच्छा, वो काम हो जाए। बाकी का कुछ और क्या चल रहा है? बाकी सही है और सब सही है? तो अब क्या लग रहा है, माहौल किधर जा रहा है? माहौल तो यही जाए, जाको खाओ ताको गयो। मतलब कैसा? जाको खाओगे उसका दुकान पर आएगा, नमक हलाल कर आओ। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ आप बताइए। मेरा नाम शिवराज सिंह उस्ताद है। अच्छा अच्छा उस्ताद। हाँ जी हाँ जी, होटल का कारीगर हूँ, ऑलराउंडर कारीगर हूँ। तो यही रहने वाले गाँव? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है फिर माहौल किधर जा रहा है? माहौल तो हमारा उधर ही जाएगा। किधर? मोदी की तरफ। अरे हाँ जी, नेता एता पार्टी के हैं क्या? किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ जी, तो मोदी की तरफ किधर जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों इसलिए जाएगा, उससे मुझे गुंडागर्दी खत्म है, मुझे बहुत आराम है और शांति है मुझे। तो ये क्या सब लोग गुंडागर्दी कह रहे हैं क्या? पहले ये कुछ ज्यादा चल रही थी क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ, तो ऐसा क्या हो रहा था पहले? सर पहले ये हो रहा था, रात को हम 10 बजे 11 बजे हम निकल नहीं पाते थे। हाँ हाँ। और लेकिन आज माहौल वो है कि जो हम रात को 10 बजे और 11 बजे हम निकलते हैं, हलवाईगिरी का मेरा काम है। अच्छा हाँ जी। तो आप मतलब अभी सरकार में स्वतंत्र हैं? हाँ बहुत स्वतंत्र, बहुत शांति है हमें। तो दोबारा यही चाह रहे हैं? हाँ यही आएगी। अरे बताओ क्या लग रहा है, चुनाव आ गया तो वोट किसको करेंगे अब की बार? हमारी जहाँ इच्छा हुए बूंदी है। तो मतलब क्या लगता है, किसने काम सही किए, कौन सी सरकार ने? अरे काम सब सरकार सही कर, कोई नहीं गलत कर। अच्छा, अपनी अपनी जगह सब नेता बढ़िया है, नेता आपस में इकट्ठे रहते हैं, जनता लड़ी मर जाती, जनता को लड़ाए देते हैं। हाँ। अच्छा, हम देखो अपने दिल से जहाँ हमारा इरादा चाहे वहाँ वोट दिए, जहाँ हमारा इरादा नहीं चाहे वहाँ नहीं दिए। अच्छा अच्छा, तो ये राशन आसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन में खूब भरपूर मिलते। अच्छा, तो क्या लगता है फिर इसका क्या असर होगा कि नहीं होगा, कुछ और होगा? अरे जिसको जिसके नसीब में लिखो ये उस वो नेता। तो मतलब पत्ता नहीं खोलेंगे, किसको देंगे, मन में ही रखेंगे? बस हमारी मन की। आप बताएं कुछ मन में क्या है? हमारे मन में जो सबके है सो हमारे है। अरे तो सबके आपके तो घर के मुखिया का कुछ और होगा ना माहौल? ऐसी कोई बात ना, सब खुश था, हम खुश।